नुपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ एवं बजरंग दल चंडीगढ़ द्वारा आज चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक पर रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ एवं बजरंग दल चंडीगढ़ के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि पुतला दहन कार्यक्रम के पहले कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। रोष प्रदर्शन करने के पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रदीप शर्मा ने हमारे कैमरे पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो पिछले दो जुम्मे निकले हैं उसमें इन्होंने जो मस्जिदों से निकलकर कुछ ये पत्थर फेंके गए और जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी जो सामान है उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया, जो गाड़ियां तोड़ी, बसें जलाई, उन सब के अगेंस्ट है। और ये जो नूपुर शर्मा का इन्होंने लिया है, वो नूपुर शर्मा का पहले इन्होंने प्रवोक किया उसको जो जो हिंदुओं का शिवलिंग है उसको इन्होंने कहा कि ये फुहारा है। और उसके बाद जब उन्होंने हदीस का बेरवा दिया तो उसके बारे में सारी बातें जो हदीस में लिखी हैं वही नूपुर शर्मा ने कही हैं। तो हम ये बातें जो हैं और ये जो मौलवियों ने वहाँ भाषण दिए मस्जिदों में और बाके जाके लोगों को प्रवोक किया और उसके बाद जो व्यवस्था खराब हुई, ये उसके बारे में या लोगों को जागरूक करने के लिए, हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए है कि ये जो बाहरी शक्तियां हैं इसमें बहुत इनका योगदान है। जो बाहरी शक्तियां वो चाहती हैं, जैसे पाकिस्तान है और चाइना है, ये नहीं चाहता कि यहाँ पे समृद्धि हो, लोग आगे बढ़े, मिलजुल कर रहें। ये जो गंगा जमुना तहजीब है इसमें इकट्ठा रहें, ऐसा ये चाहते नहीं हैं। इसलिए आज का ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये नूपुर शर्मा का समर्थन देंगे आप? हाँ, हम इसको नूपुर शर्मा को समर्थन इस बात से देते हैं कि उसने जो हदीस का दिया है, उसने अपने आप से कुछ नहीं कहा है, उसने जो हदीस का दिया है कि उसने वहाँ से जो लिखा हुआ है उसी को उसने कहा है, उसके अलावा तो उसने कुछ अपने आप से तो कुछ कहा ही नहीं है। आपको बता दें कि ट्रिब्यून चौक पर हनुमान चालीसा भी कार्यकर्ता द्वारा पढ़ा गया, जिसके बाद वहां माहौल बिगड़ गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।